आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज नॉट सेम एज दैट इन फ्लोइंग वाटर। तो देखो, अगर कोई स्टैंडिंग वाटर होगा, अगर स्टील वाटर है, तो उस वाटर में क्या होगा कि जो स्पीड आपको आपकी होगी वेव की, लाइट की, वही आपको ग्राउंड से दिखाई देगा, यानी कि ऑब्जर्वर को वही स्पीड दिखाई देगा। बट होगा क्या कि अगर वाटर फ्लो कर रहा होगा, अगर वाटर फ्लो कर रहा है, तो जो स्पीड होगी वाटर में लाइट की, तो जो स्पीड होगी लाइट की वो ग्राउंड से डिफरेंट नज़र आने लगेगी। क्यों? क्योंकि मीडियम और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तो रिलेटिव मोशन की वजह से जो आपको स्पीड दिखाई दे रही होगी लाइट की, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर माइनस का वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो मीडियम होगा उसकी वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ, तो मीडियम जो होगा, अगर मीडियम किसी वेलोसिटी वी डब्ल्यू से मूव करने लगेगा, तो जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये वेलोसिटी क्या नजर आने लगेगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस का वेलोसिटी ऑफ लाइट। और अगर वाटर अगेंस्ट मूव करने लगेगा, तो जो वेलोसिटी फॉर सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो, ठीक है, और अगर वाटर अगेंस्ट मूव करने लगेगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, माइनस वी एल और अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि आपका जो असर्शन है वो करेक्ट है। और रीजन क्या दिया है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड मीडियम। तो ये वही बात रीजन बता रहा है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन वन इज द आंसर। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।